नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को धमकी भरा फोन कॉल आया है और उस बात की जानकारी खुद गिरिराज सिंह ने आईबी को दी है। बता दें आपको कि ये जानकारी सामने आई है, जहां पर आतंकियों के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मंत्री अश्विनी चौबे और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का नाम है, जिसको लेकर आईबी और गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही बिहार के सभी जिला पुलिस मुख्यालय में ये सूचना भी दी गई है कि किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को विदेश से फोन कॉल आया है, उन्हें धमकी दी गई है, जिस बात की जानकारी खुद गिरिराज सिंह ने आईबी को दी है। इसी कड़ी में बात अगर हम करें तो बिहार के बीजेपी नेता आतंकियों के निशाने पर है। आईबी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस बिहार पुलिस को इस संबंध में अलर्ट रहने के लिए कहा है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत ने अपनी पत्रिका के एक एडिशन में बीजेपी नेताओं पर हमले की बात कही है और इस संबंध में ट्वीट भी किया गया है। और इसी भड़काऊ ट्वीट को लेकर इस वक्त बिहार के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही बिहार बीजेपी के कुछ नेता हैं जिन्हें जेड प्लस जो सुरक्षा है वो भी दी गई है। दरअसल बता दें आपको कि ये जो पूरा मामला है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जो है इसमें निशाने पर है और इस पूरे मामले को लेकर जो मुख्य रूप से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे और हरिभूषण ठाकुर बचौल हिट लिस्ट में है। इस वक्त बिहार में बीजेपी के 17 सांसद और 77 विधायक हैं। इसमें से 12 नेताओं को वाई और जेड श्रेणी की जो सुरक्षा है वो भी दी गई है और यही वजह है कि इसको लेकर इस वक्त आईबी ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बढ़ती जाए और यही वजह है कि बिहार के अलग अलग जिलों में पुलिस को चौकस रहने की जो बात है वो भी कही गई है। ऐसे में अधिकारियों के अनुसार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से एजेंसी पूछताछ कर रही है और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसका मुख्य आरोपी कौन है और आखिर क्यों इस साजिश को अंजाम दिए जाने की जो बात है वो इन आरोपियों की तरफ से कही जा रही है। तो बता दें आपको कि पटना के फुलवारी शरीफ से जिस तरह से दो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनके पास से इस्लामिक स्टेट के कुछ दस्तावेज भी मिले, जिसके आधार पर यह खुलासा हुआ कि भारत में इस्लामिक स्टेट मिशन को लेकर जो पर्दाफाश वो हुआ था, जिसके बाद लगातार ये पूरा मामला जो है वो एनआईए के जिम्मे में है। इस पर छानबीन भी की जा रही है, जांच पड़ताल किए जा रहे हैं और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने हाई अलर्ट जारी करते हुए बिहार के पुलिस मुख्यालय में सभी को इस बात की सूचना दी है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विदेश से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को धमकी वाला जो फोन कॉल है वो आया है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर आईबी और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है। ऐसे में आगे और क्या कुछ होता है या क्या कुछ एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से उठाए जाते हैं, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट आएगा तुरंत आप तक हाजिर होंगे। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।